दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां सिमरिया थाना में कुछ समय पहले युवती के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा खोजबीन करने पर युवती की जानकारी मिली है, जहां पता चला है कि लड़की मुंबई में है। वहीं पुलिस ने मुंबई में जाकर लड़की को दस्तयाब कर लिया है और 3 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 1 आरोपी औपचारिक बालक शामिल है। हाँ, ये करीब 20-25 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची थी, उसके परिजनों ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि वो बच्ची को कोई बेला फुसला कर ले गया है। उस पर से पुलिस ने 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। एसपी साहब के निर्देश पर थाना प्रभारी ने टीम बनाई और उसके बाद वो मुंबई से जाकर उस बच्ची को दस्तयाब करके लाए। मुंबई से बच्ची ने आने के बाद बताया कि उसका एक के लड़के के साथ वो गई थी और उसमें 2 लड़कों ने मदद की जो उसके लड़के के दोस्त थे। उसमें से एक लड़का नाबालिग भी है, एक ने उसको सतना तक छोड़ा था और दूसरे लड़के ने उसको मुंबई तक छोड़ा था। वहाँ कमरा वमरा किराए से कराकर उनको वहाँ रुकवाने में मदद की थी। पुलिस के द्वारा 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।